Hello, students, welcome to Adda 24 7 School. I'm Rebecca, and in this video session, I'm going to teach you question and answers of a lesson that has been taken from the book Hornbill. This is a poem named Childhood, poem number 4, written by Marcus Nutton. So, here as you can see, we are covering question and answers, and we have already done with the explanation, hard words, and poetic devices. Now, let us begin with this. The first question that is given to us is question number one says identify the stanza that talk of each of the following. आपको बताना है कि कौन से stanza में इन शब्दों के बारे में बात करी गई है First is individuality. तो आपको बताना है poet ने अपनी individual thoughts के बारे में कहां पर बात करी है फिर we have rationalism. फ्री थॉट्स जब आप सुपरस्टिशियस नहीं होते हो और आप अंधविश्वास जैसी चीजों को नहीं मानतेपोक्रेसी का मतलब होता है कि आप बेहरो हो आप दो तरह के फेसेस रखते हो आपके मन में कुछ और है और आप बाहर कुछ और रखे हो तो आपको बताना है ये तीन वर्ड जो है वो कौन कौन से पैराग्राफ में इस्तेमाल किए गए हैं सो हाउड यू राइट योर आंसर दी क्वालिटी क्वेश्चन आर गिवेन बिलो वो स्टैंडास जो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो कौन कौन से हैं सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिविजुअलिटी की तो वो कौन से स्टैंडा में आया है थर्ड स्टैंडा में तो ऐसा क्या यूज किया था पोएट ने थर्ड स्टैंडा में जिसमें आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने इंडिविजुअलिटी की बात करी है पोएट पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया फिर उनके दिमाग में आता है क्या ये तब गया जब मेरे अंदर मेरे खुद की थॉट प्रोसेसिंग डेवलप हो गई थी जब मैं अपना खुद का ब्रेन यूज करने लगा था जब मैं लोगों के हिसाब से चलना बंद कर चुका था जब मैं इंडिपेंडेंट हो गया था सो दैट मीन्स वेन ही हैज हिज ओन थॉट ओन माइंड ओन ब्रेन एंड ही इज डूइंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन तो उस चीज के बारे में उन्होंने इंडिविजुअलिटी मेंशन करी है और ये इंडिविजुअलिटी आपके कौन से स्टैंड में है थर्ड स्टैंड में सेकेंड है रैशनलिज्म अंदर दिस आई टोल्ड यू रैशनलिज्म का मतलब होता है जब आप फ्री थॉट रखते हो जब आप सुपरस्टिशियस नहीं होते तो रैशनलिज्म की बात फर्स्ट स्टैंजा में कैसे हुई है आपने एक लाइन देखी होगी जिसमें पोएट कहते हैं कि शायद मेरा बचपन तब चला गया था जब मैंने ये जान लिया था कि हेल और हेवन जैसी चीजें ज्योग्राफी में एग्जिस्ट नहीं करती मतलब एक्चुअली रियल में हेलो और हेवन नाम की कोई भी जगह नहीं होती इनका हमारे जोग्राफी बुक्स में कोई नामो निशान नहीं है वी हैव ओल प्लेसेस बट नॉट एट टू ये वो लोग बातें करते हैं हेलो और हेवन की जो कि सुपरस्टिशियस होते हैं जो कहते हैं कि आप कर्मों के हिसाब से हेवन में जाओगी या हेल में जाओगी अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आप हेवन पहुंच जाओगे आपके बुरे कर्म हैं तो आप हेल में पहुंच जाओगे लेकिन ये वो लोग बातें करते हैं जो अंधविश्वासी होते हैं और मैं अंधविश्वासी नहीं हूं क्योंकि मैंने अपने ज्योग्राफी लेसन्स पढ़े हैं और मुझे ज्योग्राफी लेसन में इस तरह का कोई भी ट्रुथ देखने के लिए नहीं मिलता ये कहानियां हैं फेबल्स हैं जो लोग मन बनाते हैं तो इसीलिए वो कहते हैं कि पहले स्टांजा में मैं एक इस तरह से बिहेव कर रहा हूं कि मैं रैशनल हूं

वो बहरुपीए हैं वो इम्पोस्टर है वो, वो मुंह पे प्यार मोहब्बत का दिखावा करते हैं और मन में जलन घृणा right? so करता है लुक फॉर अनदर क्वेश्चन टू अस एंड दिस क्वेश्चन नंबर टू नाउ वुड यू लाइक टू सी द क्वेश्चन नंबर टू इज सेइंग व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोम Is in the of up. आपकी जो कविता है उसके हिसाब से जब आप बड़े हो रहे होते हो तो क्या क्या चीजें बड़े होने में होती तो जब आप बड़े होते हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। जैसे ही आप 11 साल की उम्र को क्रॉस करते हो आपके अंदर अपनी खुद की थॉट प्रोसेसिंग आ जाती है आपको ये समझ में आ जाता है कि जन्नत और दो स्वर्ग और नर्क हेल और हेवन जैसी कोई भी चीज नहीं होती ये सब ज्योग्राफी लेसन में है ही नहीं साथ साथ आप ये भी समझने लगते हो कि आपके आसपास के जो लोग आपको जिस तरह का दिखावा कर रहे हैं जो वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं दे आर नॉट लाइक दैट दे शो अस दैट वी लव इच अदर लेकिन वो आपको प्यार नहीं करते हैं वो अंदर आपसे ईर्ष्या घृणा रखते हैं फिर जब आप और बड़े होते हो तो आपके अंदर अपनी थॉट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है आप अपना ब्रेन यूज करने लगते हो तो जब आप बड़े होते हो तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं आपके अंदर इंडिविजुअलिटी आती है आपके अंदर रेशनलिज्म आता है और आप हिपोक्रेसी की पहचान करना शुरू कर देते हो सो हाउ वुड यू राइट योर आंसर इन द कॉपी अकॉर्डिंग टू द पोम यानी कि कविता के हिसाब से द लॉस ऑफ चाइल्ड हुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इंडिविजुअलिटी आ जाना रैशनलिज्म होना या फिर हिपोक्रेट लोगों को समझ जाना मतलब हमारे अंदर से मासूमियत चली गई है हमारे अंदर से बचपना चला गया है और अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हमें पोएम क्या कह रही है कि हम लोगों ने अपना चाइल्डहुड खो दिया वी गॉट लॉस ऑफ चाइल्डहुड व्हेन वी आर ग्रोइंग अप जब हम लोग बड़े हो रहे थे द लॉस इज कंपनसेटेड बाय अब इसका मुआवजा कौन चुका रहा है जब हमको कुछ गेंस हो रहे हैं हम लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं है ना और जब हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमसे दूर चली जाती हैं खो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम पा लेते हैं तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमको तब मिल रही हैं जब हम लोग कुछ खो रहे हैं और खो क्या रहे हैं अपना बचपना जिसमें हमें कुछ गेन हो रहा है और गेन क्या हो रहा है विच कम विद एडल्ट एज एंड दीज आर इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर समझ का बढ़ना पावर ऑफ रैशनलाइजिंग हम लोग ये सोचना शुरू कर चुके हैं कि हम फ्री हैं सोच के आज़ाद हैं हम सुपरस्टिशियस नहीं हैं अंधविश्वासी नहीं हैं और हम डिस्क्रिमिनेट भी कर पाते हैं गलत और सही में और तो और हमारे अंदर इंडिविजुअलिटी का सेंस भी डेवलप हो जाता है हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं हमें हम हम लोगों की ज़रूरत नहीं होती या हम उनके हिसाब से काम नहीं करते हम अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं

मेरा बचपन कब चला गया मेरा बचपन कहाँ चला गया इससे क्या पता चलता है कि जो पोएट हैं वो ये मानते हैं कि बचपना एक बहुत ही अहम चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ खो देते हैं बचपन <workiteners> वो चीज़ होती है जब हम हर चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं हम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी हमसे कहा जाता है जो भी हमारे बड़े हमसे कहते हैं जो भी हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं वो मान लेते हैं और पोएट कह रहे हैं कि मुझे इस चीज पर बहुत पछतावा होता है कि मेरे अंदर चीजों की समझ आ गई क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम चीजों की समझ रखने लगते हैं तब हमारे अंदर बहुत सारा दुख भी आ जाता है राइट तो पोएट उस चीज को समझ पा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं इस चीज को लेकर वो क्यों बड़े हो गए और उनका बचपन क्यों खो गया सो हाउ वुड यू राइट एट द पोएट फॉर चाइल्ड हुड एज एन इम्पोर्टेंट स्टेज पोएट का मानना है कि जो हमारा बचपन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है हमारे ग्रो होने की तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जो स्टेज है हमारी जो ये अवस्था है चाइल्ड हुड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है चाइल्ड हुड इज अ पीरियड ऑफ गेटिंग बिलीव इन बचपन वो चीज होती है जिसमें हम हर चीज पर भरोसा कर लेते हैं पोएट को यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके अंदर पछतावा है पछतावा इस चीज का है कि उनका बचपन कहाँ चला गया लेकिन इनको इस बात का पछतावा नहीं है कि इनका बचपन चला गया है क्योंकि इनका मानना यह है कि जब इन्होंने अपनी बचपन की इनोसेंस खोई तब इन्होंने अपनी अडल्ट एज पर कुछ गेन भी किया और वो गेन था अंडरस्टैंडिंग का रेशनलाइजेशन का इंडिविजुअलिटी का तो पोएट कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मेरे को पछतावा है कि मेरा बचपन खो गया है लेकिन अगर मेरा बचपन खोया है तो उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी चीजें गेन करी हैं तो अगर मेरा बचपन खो गया है उसकी यादें मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं पछता सकता हूं लेकिन मुझे इस चीज़ का पछतावा नहीं है कि वो चला गया है और वो कभी भी नहीं आएगा अगर उन्हें इसको देखना भी होगा तो वो किसी बच्चे का फेस उठा करके देख लेंगे जहां पर उन्हें वो इनोसेंस मिल जाएगी राइट आई होप दिस इज आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरी Now let's move ahead and and look at the the last question. Question question number four. Now let us see what this question is saying. Which do you think are the most poetic lines and why? पढ़े पहले में पोएट ने रेशनलिज्म की बात करी अंधविश्वास को खत्म कर दिया दूसरे में उन्होंने लोगों के बारे में बात करी लोगों के हिपोक्रेट होने के बारे में बात करी और तीसरा उन्होंने अपने इंडिविजुअल के बारे में बात करी अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में बात करी तो आपको सबसे टची लाइन कौन सी लगी पोएट ने जो फोर्थ स्टैंड यूज किया है कि अगर आपको बचपन ढूंढना हो तो आप किसी भी बच्चे का चेहरा देख सकते हो वो किसी भी नए बच्चे के चेहरे में होता है तो आपको जो सबसे टची लाइन लगी वो कौन सी थी वो आप बताओगे मुझे जो सबसे टची लाइन लगी वो मेरे लिए यही थी कि जब पोएट कह रहे हैं कि आप किसी भी चाइल्डहुड को देखना चाहते हो तो आप किसी भी बच्चे का फेस देख लो राइट और ये लाइंस क्यों सुंदर है क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा बचपन खो जाता है तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोम आर द मोस्ट पोएटिक सबसे ज्यादा सब पोएटिक जो लाइन्स है वो कौन सी है इट वॉट इन प्लेस इट क्या है दाइल्डहुड जो हमारा बचपन है वो कहाँ चला गया है वो एक फुटन प्लेस पे चला गया है एक ऐसी जगह जो कि भूली जा चुकी है दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस और वो कहाँ छुपी हुई है वो एक छोटे से बच्चे के जो कि न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर उसके फेस में छुपी हुई है दैट्स ऑल आई नो बस मुझे यही पता है और मुझे कुछ नहीं पता बिकॉज नो वन नो उसके बचपन कहाँ चला जाता है और कब चला जाता है

दो अनलाइक चीजों को राइट तो मेटोफोर वेन टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेर्ड द इन्फेंट्स इनोसेंट फेस हाइड मेनी थिंग जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है न्यूबॉर्न बेबी उसके चेहरे में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है उसकी स्माइल्स के पीछे बहुत सारी मासूमियत होती है मे द चाइल्ड हुड लाइज हिडन इन सम फो गॉटन प्लेस लाइंग बर ए डीप एंड साइड द चाइल्ड कॉन्शियसनेस तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो बचपना है उसको उन्होंने कंपेयर किया है चाइल्डहुड को एक स्टेज को एक बेबी से कंपेयर किया है जो कि दोनों लाइक चीजें एक लिविंग क्रिएचर और एक स्टेज एक अवस्था राइट right? तो उन्होंने ये दो अनलाइक चीजों को कंपेयर किया है कि अगर आपको बचपन को ढूंढना है सो यू कैन सी बेबीज फेस क्योंकि बेबी का चेहरा वो चेहरा होता है जिसकी स्माइल के पीछे बहुत सारी मासूमियत होती है कोई कनिंगनेस नहीं होती कोई चलाकी नहीं होती और ये जो बचपन होता है हमारा ये एक फुटन प्लेस में चला गया है क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो गए वैसे वैसे हमारे साथ ये बचपन भी खो गया और ये कहीं ना कहीं अगर आप ढूंढने निकलोगे तो आप एक बच्चे को देखोगे कि वो जो बच्चा जो कि कॉन्शियस आपको दिखाई दे रहा है और जो वो हरकतें कर रहा है जो वो मासूमियत भरी हरकतें कर रहा है उसके फेस में है राइट सो यहाँ पर पोइट ने बड़ी ही सुंदरता से एक मेटाफर का इस्तेमाल किया एक बेबी का इस्तेमाल किया और जिसकी मदद से उन्होंने किसको एक्सप्लेन किया बचपने को एक्सप्लेन किया सो माय डियर स्टूडेंट आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड विद वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन आई होप यू पीपल हैव लाइक द वीडियो इफ इट इज़ सो टू नॉट फोर टू लाइक एंड शेयर द सेशन एंड एट लास्ट इफ यू आर न्यू हियर एंड यू वांट कि आपको इसी तरीके से सेशंस मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी जरूर दबा दो ओके बेस्ट बाय थैंक यू टेक केयर